दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र खेड़ा इस बार एक अनूठी लोक कथा लेकर आया हूँ। सुदूर अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति इदुमिश्वी दावा करती है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी उनकी बेटी थी। जब तक मैं इस कहानी को कहूँ, तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्व का सीमांत प्रांत है। यह प्रांत अरुणाचल, इसका अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत होता। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश बहुभाषिक एवं बहुजनजातीय राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 28 प्रमुख जनजातियां एवं उसकी 100 से भी अधिक उप जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक जनजाति है इदुमिश्मी। मिश्मी या देंग यह अरुणाचल प्रदेश के अलावा तिब्बत में भी बसी है। यह 3 कबीलों में बटा है, इदुमिश्मी या इदु, लोहबा, दिगारू यानी ताराओं, और दरांग देंग और मिजू मिश्मी यानी कामान देंग। मिश्मी लोग मध्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के छोर के मिश्मी हिल्स के आसपास लोहित नदी के दोनों किनारों पर लिवांग घाटी में निवास करते हैं। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के इदुमिश्मी और रुक्मणी को लेकर जो कथा है उसे सुना रहा हूँ। इदुमिश्मी लोग स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मणी के बंधु बांधव बताते हैं। इन लोगों में मान्यता है कि रुक्मणी वहाँ के भीष्मनगर की राजकुमारी थी। रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक और उनका एक भाई रुक्मी था। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। राजा भीष्मक ने रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करने का मन बना लिया था, परंतु यह बात राजकुमारी के भाई रुक्मी को पसंद नहीं आई। उसने शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। इस पर रुक्मणी ने गुप्त रूप से यह सूचना श्री कृष्ण तक पहुंचा दी। कृष्ण इसके बाद रुक्मणी को लेने आए, लेकिन रुक्मी ने उन्हें पहचान लिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में रुक्मी की हार हुई। श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करना चाहा, परंतु रुक्मणी ने अपने भाई की प्राण रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण मान गए, परंतु उन्होंने हार के निशान के रूप में अपने सुदर्शन चक्र से रुक्मी के सिर के बाल काटकर उसे गंजा कर दिया। यही वजह है कि आज भी मिश्मी जनजाति के लोग अपने सिर को मुड़वा कर रखते हैं, और इसलिए उन्हें असमिया में चुली कटा कहा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके गुजरात पोरबंदर के माधवपुर पहुंचे और वहां दोनों ने विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की याद में पिछले 500 साल से माधव घेड़ में लोक मेला लगता है। गुजरात में माधवपुर महोत्सव भी मनाया जाता है। इसमें गुजरात के साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार भी शामिल होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुजरात के द्वारका में रहते थे। पूर्वोत्तर भारत में और भी कई जनजातियां हैं जिनका संबंध प्राचीन भारतीय इतिहास से है। कई तो स्वयं को प्राचीन भारतीय पौराणिक इतिहास के वंशों से भी जोड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मालिनी थान तीर्थ स्थान से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने द्वारका जाते समय यहाँ पर विश्राम किया था। उनके विश्राम के समय भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती ने उनका स्वागत फूलों के हार से किया था। तब से भगवान श्री कृष्ण ने उनको मालिनी नाम दे दिया था। इस स्थान को मालिनी थान और मालिनी स्थान के नाम से तभी से जाना जाता है। मालिनी थान उत्तर अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग प्रदेश में है, या असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं के पास लिकावाली क्षेत्र में है। यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएं शुरू होती हैं, जो कि हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। मालिनी थान खूबसूरत और पवित्र पर्यटन स्थल है। मालिनी थान का निर्माण 15वीं शताब्दी में श्रुतिया राजवंश के राजा लक्ष्मीनारायण ने किया था। मालिनी थान के प्रतिमाओं की जो खोज है वो 1968 से 1971 के दौरान हुई थी, और यह एक श्रृंखलाबद्ध खुदाई के दौरान यह खोज और ये प्रतिमाएं मिली थी। खुदाई में प्रतिमाओं के साथ स्तंभ और अनेक कलाकृतियां भी मिली थी। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के अलावा पर्यटक भी यहाँ आते हैं।
एक अन्य मान्यता के अनुसार रुक्मिणी का जन्म हरिद्वार में हुआ था और वह वैदिक काल जनजाति की एक शाही राजकुमारी थी। वह शक्तिशाली राजा भीष्म की पुत्री थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में उल्लेख है कि विदर्भ के राजा भीष्म के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी का स्वभाव बहुत ही सरल था और वह रूपवती थी। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में जब सुना तो वह उन पर मोहित हो गई थी। वह चाहती थी कि श्री कृष्ण की वह पत्नी बने और इस इच्छा की पूर्ण भी उनकी ये हुई थी। रुक्मिणी का परिवार भी यही चाहता था, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से पैर रखता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो जाए। उसने अपने पिता भीष्म से कहा कि रुक्मिणी का विवाह चेदि नरेश शिशुपाल से होना चाहिए और यही ठीक रहेगा। रुक्मिणी देवी स्वभाव की थी, जबकि उसका भाई रुक्मी राक्षस स्वभाव का व्यक्ति था। रुक्मिणी अपने भाई के हट को जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक पुरोहित के हाथ श्री कृष्ण के पास प्रेम संदेश भेजा। श्री कृष्ण ने उस प्रेम संदेश को पढ़ा। प्रेम संदेश में लिखा था, मैं आपको पति मान चुकी हूँ, मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहता है। मुझे प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, आपको शिशुपाल और जरासंध को मानना होगा, तभी आप मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शिशुपाल से मेरा विवाह तय हो गया है। अब विवाह के एक दिन पहले गौरी पूजन के समय आपको गौरी मंदिर में आना होगा। वहां से मैं सामाजिक बंधनों को तोड़कर आपके साथ नई जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। पत्र पढ़ने के बाद तुरंत श्री कृष्ण ने रथ बुलाया और विदर्भ देश की ओर रवाना हो गए। श्री कृष्ण जब विदर्भ पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर की शोभा अनूठी हो रही है। विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थी। शिशुपाल अपने परिजनों के साथ वहां पहुंच चुका था। इधर जब बलराम को पता चला कि श्री कृष्ण विदर्भ देश रवाना हो गए हैं, तो उसकी चिंता करते हुए सेना लेकर वहाँ रवाना हो गए। उधर रुक्मिणी गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी थी। रुक्मिणी जब पूजा के बाद घर लौटने लगी तो देखा कि श्री कृष्ण अपने रथ के साथ वहाँ खड़े हैं। रुक्मिणी उनके पास पहुंची। श्री कृष्ण ने रथ में उन्हें बिठाया और इस तरह रथ तेजी से आगे की ओर बढ़ चला। श्री कृष्ण जा चुके थे, बलराम अपनी सेना के साथ वहाँ पहुंच चुके थे। रुक्मिणी को जब पता चला तो वह अपनी सेना लेकर बलराम की सेना से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। संदेह उस वाहक से बलराम का विदर्भ आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भी इस युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने रुक्मिणी को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह हुआ। रुक्मिणी अपनी हार से इतना दुखी हुआ कि वह लौट कर विदर्भ नहीं गया। जहाँ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था, वह वहीं भोजकट नाम का नगर बसा कर रहने लगा। यही कहानी अरुणाचल प्रदेश में भी सुनी जाती है। इस कहानी के इतिहास में जाने के बजाय इसमें सुदूर प्रांत के इदुमिशी लोगों की उन भावनाओं को सम्मान करने की आवश्यकता है जो कि सनातन धर्म से उन्हें बांधे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी इदुमिशी समाज और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।